दोस्तों, जब हम छोटे थे और ट्रेन से हिल स्टेशन पर कहीं घूमने जाते थे तो अक्सर पहाड़ी रास्तों पर हमें कुछ खूबसूरत सी टनल यानी सुरंग देखने को मिलती थी और बचपन में इन्हें देखना काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता था। लेकिन हमारे बड़े होने के बाद इन्हीं टनल से गुजरने पर अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि पहाड़ हो या मैदान, दोनों ही जगह पर हमारी सुविधा और समय बचाने वाली बड़ी बड़ी टनल आखिर बनती कैसे हैं? चलिए अब आपको बताते हैं कि एक सुरंग यानी एक टनल का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि टनल को बनाने वाले प्रोसेस को जानने के बाद आज से आपके पहाड़ों पर इन सुरंग में गुजरने का एक्सपीरियंस और भी मजेदार हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, हमारे देश में अगर ये टनल ना होती तो हमारा कितना समय एक जगह से दूसरी जगह जाने में बर्बाद हो जाता। जमीनी इलाकों में बनी मेट्रो से लेकर पहाड़ों पर ट्रेन और गाड़ियों तक हम सभी ने इस टनल में कम से कम एक बार सफर जरूर किया होगा। जहां तक इन टनल को बनाने की बात है तो इसकी शुरुआत होती है उस जगह की इंस्पेक्शन के साथ, क्योंकि जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस जगह टनल बनाई जा रही है वहां की मिट्टी, चट्टान और बाकी चीजें कैसी हैं, क्योंकि ये मिट्टी अलग अलग जगह के लिहाज से सख्त और मुलायम किसी भी तरह की हो सकती है। इसीलिए इंजीनियर भी टनल बनाने के लिए मिट्टी के हिसाब से अलग अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी टनल को बनाने के लिए सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है, क्योंकि इस बात की पहले से जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि भविष्य में टनल के तैयार होने के बाद वो कैसी दिखेगी। इस बात से तो आप वाकिफ होंगे कि बड़ी बड़ी टनल बनाने में काफी मेहनत और पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। सभी जरूरी चीजों के मिलने और टनल को हरी झंडी मिलने के बाद शुरू होता है टनल को बनाने का काम। अगर टनल बनाने वाली जगह की मिट्टी सख्त और चट्टान से भरी हो तो यहाँ दो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला होता है हेडिंग और दूसरा होता है बेंच। जिस जगह सुरंग बनाई जाती है उसके दोनों छोर पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और इन दोनों तरफ बनाए गए इन गड्ढों को हेड का नाम दिया जाता है। इसके बाद दोनों तरफ बनाए गए इन गड्ढों के नीचे और दो दो गड्ढे खोदे जाते हैं जिन्हें बेंच का नाम दिया जाता है। इन गड्ढों को बेंच का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन गड्ढों की शेप किसी बेंच की तरह होती है। जब सुरंग के दोनों तरफ हेड और बेंच की टेक्निक से गड्ढे कर दिए जाते हैं तो इसके बाद शुरू होता है टनल में ड्रिलिंग का काम और बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से सुरंग के अंदर की मिट्टी को हटा दिया जाता है। इसके बाद टनल की दीवारों को कॉन्क्रीट की मदद से और मजबूत कर दिया जाता है ताकि किसी तरह की दुर्घटना होने के चांसेस ना रहें। इस टनल में लाइट, वेंटिलेशन और बाकी के काम को खत्म होने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। जब सरकार की तरफ से इसे हरी झंडी मिल जाती है तो इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। ये तो हमने आपको बताया कि सख्त मिट्टी और चट्टान को काट कर कैसे एक सुरंग को तैयार किया जाता है, लेकिन वहीं अगर मुलायम मिट्टी की बात करें तो इसे हटाकर सुरंग बनाने का काम काफी कठिन होता है, क्योंकि टनल बनाते समय मुलायम मिट्टी के धंसने के चांसेस काफी आए होते हैं। इसलिए सुरंग बनाने की शुरुआत से ही खास तरह की सावधानियां रखी जाती हैं। सबसे पहले टनल बनाने के लिए मुलायम मिट्टी को हटाया जाता है और साथ ही साथ गड्ढे में कंक्रीट और स्टील से बने होली सिलेंडर को टनल के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा करने से सुरंग के अंदर मिट्टी धंसने या बाकी किसी दुर्घटना के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके बाद अब बाकी बची मिट्टी को मशीनों के सहारे धीरे धीरे सुरंग से हटा दिया जाता है और बाकी बची टनल में ऐसे ही कई सिलेंडर को डालकर आपस में जोड़ दिया जाता है। आज के दौर में टनल बनाने में काफी एडवांस मशीनों का यूज किया जाता है। ऐसी एक मशीन को टनल बोरिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। ये मशीन काफी बड़ी होती है और इसके आगे डिस्क कटर्स लगे होते हैं जिसका काम मिट्टी को काटते हुए आगे की ओर धकेलना होता है। इस मशीन के जरिए महीनों का काम घंटों में खत्म हो जाता है। जहां तक बात है सुरंग के बेसिक स्ट्रक्चर की, तो इस काम के खत्म होने के बाद टनल में बाकी बचे काम को खत्म किया जाता है। जब टनल बनाने का बेसिक काम पूरा हो जाता है तो इसकी फिनिशिंग के लिए सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट के साथ वाटरप्रूफिंग मटेरियल लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टनल में लीकेज होने पर इसे काफी नुकसान हो सकता है। फाइनल टेस्टिंग और सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। ये तो हमने आपको बताया पानी के ऊपर टनल बनाने का तरीका, लेकिन पानी के अंदर किसी भी टनल को बनाना काफी चैलेंजिंग होता है।
चलिए जानते हैं कि पानी के अंदर टनल को कैसे बनाया जाता है। नदी के नीचे पानी में टनल बनाने के लिए सबसे पहले स्टील और कंक्रीट से बनी एक लंबी ट्यूब को पानी में डाला जाता है। ये ट्यूब ही सुरंग के बनने के बाद रास्ते पर काम करता है। चलिए अब बढ़ते आगे की तरफ। तो इसी तरह एक ट्यूब के बाद कई ट्यूब को जोड़ दिया जाता है और इसके बाद एक बड़े से पंप की मदद से इस टनल के अंदर भरे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। जब इस टनल में पानी पूरी तरह सूख जाता है तो इस सुरंग में बाकी बची चीजों पर काम किया जाता है, जिसमें सड़क बनाने से लेकर बाकी चीजें शामिल होती हैं। इस तरह पानी के अंदर टनल बनकर तैयार की जाती है, लेकिन इस सुरंग को आने जाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सुरंग बनकर तैयार हो गई है तो फिर इसे यूज में क्यों नहीं लाया जा सकता? तो इसका जवाब है इस टनल में से गुजरने वाली गाड़ियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं। इस समस्या को खत्म करने के लिए टनल में बड़े बड़े वेंटिलेशन पाइप लगाए जाते हैं, जो अंदर की हवा और धुएं को बाहर और बाहर की ताजी हवा को अंदर भेज सके। वैसे आजकल टनल बनाने में एक और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसका नाम है एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि जमीन के अंदर की मिट्टी कैसी है। इसके साथ ही टनल बोरिंग मशीन में भी कई तरह के एडवांसमेंट किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारे पास ऐसी मशीन होंगी जो एक घंटे में 1600 टन मिट्टी सुरंग से बाहर निकाल सकेगी। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी के इस दौर में चट्टानी पत्थरों को काटने के लिए वाटर जेट और लेजर टेक्निक पर भी काम कर रहे हैं। इससे सुरंग बनाने के लिए ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक भारत की बात है तो उसके नाम 10,000 फीट पर दुनिया में बने किसी भी राष्ट्रीय मार्ग पर सबसे लंबी टनल बनाने का कीर्तिमान है, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दुनिया भर में अटल टनल के नाम से मशहूर इस सुरंग को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। ये सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौली घाटी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है, जो 9.02 किलोमीटर लंबी है। इस टनल के बनने से पहले भारी बर्फबारी की वजह से ये घाटी लगभग 6 महीने अलग हो जाती है, लेकिन अटल टनल बनने के बाद अब हर मौसम में मनाली लाहौल स्पीति से जुड़ा रहता है। जहां तक इस खूबसूरत टनल की बात है तो ये मनाली और लेह के बीच सड़क दूरी को 46 किलोमीटर और 4 से 5 घंटे भी कम करती है। इस 2-लेन सुरंग का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें।